मित्रों आप लोग के लिए क्या है, बहुत बड़ी गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि आपका जो एग्जाम संबंधित, जी हाँ, अगर जिन्होंने फॉर्म अभी तक नहीं अप्लाई कर पाए थे उनके लिए खास कर ये वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई किया है तो अब आपको मौका दोबारा मिल गया है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि यूपी पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म, अगर आप चाहे ये ग्रुप से लेकर एल ग्रुप तक सभी के जो फॉर्म भरने के जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिए गए हैं। अब आपका जब फॉर्म डेट बढ़ाए तो आपका एडमिट कार्ड और एग्जाम डेट वगैरह भी चेंज होगा। कब कब होगा वो सारी चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। मित्रों अगर आपको ये कब, जैसे अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो कोई भी जो अपडेट होता है उसकी ऑफिशियली वेबसाइट है JEE CUP कप, यानी आप देख सकते हो JEE कप, जैसे आप लिखकर गूगल पर या क्रोम ब्राउजर पर कहीं पर भी अगर आप सर्च करते हो तो आपको मिल जाएगा। ये हमारी क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। जी हाँ मेरे दोस्त, ये क्या है, आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यही आपकी क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, जो आपका ये तिरंगा कलर का होता है इसी पर आपको क्या है क्लिक करना होगा, फिर ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आपके सामने पूरा का पूरा पेज खुलकर आ जाएगा। इसे अगर आप चाहते हो तो अगर डेस्कटॉप साइड में कर लेते हो तो आप लोग के लिए थोड़ा देखने में आसानी हो जाएगी, है ना। फिर देखिए जब आप नीचे आप पढ़ोगे तो यहाँ पर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शेड्यूल फॉर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसिल पोस्ट, यानी डिप्लोमा इन इंडस्ट्री सेफ्टी, तथा जो आपका पॉलिटेक्निक ग्रुप का जो फॉर्म है उसे क्या है 15/5/2023 तक क्या है एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी कि एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंडेड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप समझ गए कि आपका जो पॉलिटेक्निक का जो फॉर्म संबंधित जो आपका अप्लाई करने का जो लास्ट डेट था वो क्या है 15 मई तक हो गया है। कब तक हो गया है मेरे भाई, 15 मई तक। यानी जो मेरे भाई क्या है अभी तक फॉर्म नहीं अप्लाई कर पाए थे या आपके दोस्त कोई नहीं अप्लाई कर पाया था तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। और वो कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं वो भी आप देख लीजिए, आप यहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आप देख लीजिए, इसी लिंक पर क्लिक करोगे तो आप अप्लाई कर पाओगे। इसी के नीचे जब आप आओगे तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हो, कहीं से भी आप क्लिक कर आप अप्लाई कर सकते हो बेहिचक। अगर आप ये से लेकर के ग्रुप तक अप्लाई करना चाहते हो तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा, यहीं पर आप अपना रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा। उसके बाद में क्या है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए भी हैं कि इस पिछले वीडियो में कि आप जाकर देख सकते हो कैसे कैसे आपको फॉर्म भरना होता है। अच्छा, अगर आप यल ग्रुप से आप देना चाहते हो जिसका कोई एग्जाम नहीं होता है, यल ग्रुप में आपके कोई एग्जाम नहीं होते हैं, तो इसके बारे में अगर आप जानना है तो हमारे चैनल पर भेज दीजिए, इससे संबंधित हमने वीडियो बनाया हुआ है। तो यल ग्रुप क्या है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, उसके बाद में आपका एडमिशन हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो मैंने बताया था कि जब आपका एग्जाम फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है वो भी बढ़ा हुआ है तो आपका जो एडमिट कार्ड का स्टेटस देखना था वो कब से कब तक था वो 6 से लेकर 9 से लेकर आपके 16 मई तक था। तो वो भी अब बढ़ेगा, अब आप क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है आप टल गई, और जो करेक्शन डेट वो था 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक वो भी एक्सटेंड होगा, और जो आपका एग्ज़ाम डेट था 1 से लेकर 5 जून के मध्य में वो भी क्या है अब 100% एक्सटेंड होगा। तो आपको परेशान होने की बात नहीं है, जैसे क्या है फ्यूचर में कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपका भाई आपके सामने सबसे पहले हाजिर होगा। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा अपने दोस्तों का अपने भाइयों का मदद करने के लिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है सेंड करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।